सद्विचार भरें। सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास भर के एक साथ प्रारंभ कीजिए। चलिए बैठिए। फोटो खींचाता तो फोटो में जाइए आओ भाई आओ बस ये बस फोटो खींचाता कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हथेली को रगड़ के गर्म कीजिए, आँख को सहलाते हुए खोलिए। जाड़े में यौगिक जॉगिंग पहले हो, इसलिए इसको पहले कर दिया जाए। पैर पूरा उठाइए, दूसरा अभ्यास। तीसरा तीव्र गति में, चौथा पैर दाहिने बाएं मोड़िए केवल, हाथ जो है वो कंधे से जाम है,
छठवां सातवां आठवां नवा अभ्यास अब दसवां विग्रहवां अब पीटी एक दो तीन चार एक तीन तीव्र गति में बैठ जाइए अब भस्त्रिका प्राणायाम अब
दूसरा प्राणायाम सबसे अधिक लाभदायक प्राणायाम कपाल भात प्राणायाम की है। हमारे आराध्य देव ललाट पर विराजमान हैं, उनका स्मरण करते हुए प्राणायाम कीजिए, प्रसन्नचित होकर के तो लाभ बढ़ जाएगा। कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन कपाल भात प्राणायाम कीजिए। अब तीसरा प्राणायाम पेट के लिए बहुत लाभदायक है, बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंद लगाना है। द्वार को जब सिकोड़ेंगे तो मूल बंद लगेगा। तीनों बंद लगा के घुटने पर दबाव दे दे करके प्राणायाम कीजिए, 3 बार कीजिए। अब अग्निसार क्रिया, सांस बाहर निकाल के पेट को खूब फुलाइए और उसको सिकोड़िए। एक बार फिर अब उज्जायी प्राणायाम, गले को टाइट करके पहले छोटी छोटी श्वास अभ्यास के लिए भर लीजिए, उसके बाद लंबी श्वास भर के उसको फिर रोकिए, फिर दाहिने नासा द्वार को बंद करके
बाएं से श्वास बाहर निकालिए। और फिर लंबी श्वास भरिए। अब सबसे अधिक लाभदायक प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इस प्राणायाम में केवल यही ध्यान देना है, दाहिने नासा द्वार को बंद करके बाएं से सांस भरिए, दाहिने से सांस बाहर निकालिए, फिर दाहिने से ही सांस भरिए। अब बाएं से सांस बाहर, बाएं से ही सांस भरिए, अब दाहिने से बाहर, दाहिने से ही सांस भरिए। यानी जिस नासा द्वार से सांस बाहर निकालना उसी से अंदर भरना है, यही क्रिया बार बार दोहरानी है। यह करने से ही आपको महसूस होने लगेगा। वैसे जितने प्राणायाम हैं सब अंग विशेष के लिए लाभदायक है। पहला प्राणायाम हम लोग किए हैं भस्त्रिका प्राणायाम, वह पूरे श्वसन प्रणाली के लिए लाभदायक है, फेफड़ा बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम और यह अनुलोम विलोम क्रिया पेट के लिए लाभदायक है, और उज्जायी प्राणायाम गले के लिए लाभदायक है। इसीलिए 5 मिनट का समय कपालभाति या कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे बहुत ज़्यादा लाभदायक है, हमारे शरीर की रचना प्राणायाम करते रहिए, हमारी बात सुनते रहिए, करते रहिए। हमारे शरीर की रचना छोटी छोटी कोशिकाओं द्वारा हुई है, सभी कोशिका को स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब इसके बाद टेंशन दूर भगाने वाला प्राणायाम, याददाश्त शक्ति बढ़ाने वाला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तर्जनी अंगूठे से कान में जो कपाट है इसको दबाइए, तर्जनी अंगुली ललाट पर, शेष 3 अंगुलियां आँख के पास नाक के बगल में। गहरा श्वास भर के मुंह बंद करके ओम कहना है, 5 बार कीजिए। Mm-hmm.
स्वर थोड़ा हल्का हो गया। देव ललाट पर विराजमान हैं, अब उनका दर्शन कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हथेली को रगड़ के गर्म कीजिए, आँख को सहलाते हुए खोलिए। अब सूक्ष्म व्यायाम, कहने के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, लाभ है अधिक। पैर के अंगुली का सूक्ष्म व्यायाम अब एक पंजा आगे एक पीछे पूरा दबाव दे दे करके। दोनों पंजा एक साथ आगे एक साथ पीछे। अब इसको गोल गोल घुमाइए। फोटो ही क्यों खींच रहे हैं, हम लोग तो योजना बनाए हैं कि ये सब काम कैसे सही ढंग से एल्बम बन जाए। इतना फोटो खींच के क्या होगा। अब थोड़ा सा दोनों पैर के बीच में गए, अब घुटना, अब हाथ की अंगुली का सूक्ष्म व्यायाम, अंदर से भी बाहर से भी। अब कंधे को स्पर्श कराइए, अब कंधे पर हाथ रख करके गोल गोल घुमाइए। हर बार कुहनी सीना के सामने स्पर्श करें, ऊपर से घुमा रहे हैं अब फिर नीचे से। अब सिद्धासन में बैठ जाइए। यह कल देखेंगे आप लोग कैसे कैसे कौन घुमा रहा है। सिर के पीछे ले आके सांस भर के दाहिने खींचिए।
अब हाथ की उंगलियों को ऐसे जकड़िए, पूरा तेज दबाव, सामने से, दाहिने से, ऊपर से, सिर आगे पीछे, दाहिने बाएं, अब गोल गोल घुमाइए, के सुई के अनुसार, अब घड़ी के सुई के विपरीत, अब आंख का सूक्ष्म व्यायाम, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, अब दाहिने बाएं, अब गोल गोल घुमाइए, पहले घड़ी के सुई के अनुसार, उसके बाद विपरीत, अब पैर फैलाइए, चक्की पीसने वाला अभ्यास, पूरा पीछे भी झुकिए, आगे हाथ आपका अंगूठे को स्पर्श करे, कम से कम दोनों तरफ से, कटि सौंदर्य आसन, बटरफ्लाई, अब योग मुद्रासन, दोनों हाथ पीछे, श्वास बाहर निकाल के नाक को फर्श से स्पर्श कराइए, श्वास भर के बैठिए, और वज्रासन में बैठिए, मंडू के आसन, नाभि के दाहिने बाएं ऐसे मुट्ठी लगाना है, मंडूक आसन का दूसरा पोज, पहले बायां हाथ लगाएंगे,
अब सस्कासन, श्वास भर के पीछे झुकिए, श्वास बाहर निकालते, गोमुखासन, बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर चढ़ाइए, दाहिना और कुहनी को सिर के सिर में ले आइए, अब फिर दूसरे पैर पर, अब वक्रासन, दांत पीछे, बाएं हाथ से घुटने को पकड़िए, फिर यही क्रिया पेट के बल लेटिए, इस ट्रैक्टर में हमारा जो है फेल हो गया है, यही ट्रैक्टर फेल हो गया, प्रणाम करिए आप, राम राम करिए, चलिए एक एक पैर उठाइए, अब भुजंगासन, नाभ के आगे का हिस्सा केवल उठाइए, सामने देखिए, एक बार फिर, तिर्यक भुजंगासन, फिर श्वास भरिए, दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे, श्वास भर के हाथ सीधा कीजिए, एक बार फिर, सलभासन, जान के पास हाथ ले जाइए, श्वास भर के दाहिना पैर उठाइए, अब श्वास भर के बायां, अब श्वास भर के दोनों पैर उठाने का प्रयास, दोनों हाथ पीठ पर, श्वास भर के सिर भी उठाइए, पैर भी, फिर एक बार, पैर पकड़िए, धनुरासन, पूरा पैर खींच करके घुटने को फर्श से उठा दीजिए, पीठ के बल लेटिए, पैर से बड़ा गोला बनाइए, कम से कम तीन गोला, घड़ी के सुई के अनुसार तीन गोला, घड़ी के सुई के विपरीत, यही क्रिया दूसरे पैर से, अब दोनों पैर, दोनों
लोग को ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक अब द्विचक्रिक आसन साइकिल चलाने वाला अभ्यास साइकिल चलाइए उल्टा साइकिल उल्टा ये खुशी पिटे अब पूरा शरीर सीधा उत्तान पाद आसन पैर को धीरे 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 डेढ़ फुट उठाइए वहीं उठा के रोकिए फिर धीरे 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 नीचे ले आइए फिर यही क्रिया जब तक रोक सकते हैं डेढ़ फुट उठा के रोकिए फिर उसके बाद फिर धीरे 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 नीचे एक बार फिर अब पैर मोड़ लीजिए मरकट आसन अब घुटना दाहिने सिर बाएं घुटना बाएं सिर दाहिने अब दोनों पैर के बीच में एक हाथ का गैप फिर वही क्रिया अब पैर फैला दीजिए दाहिने पैर को उठाइए बाएं हाथ में ले आइए फिर यही क्रिया बाएं पैर से पवन मुक्त आसन घुटने को नाक से स्पर्श कराने का प्रयास अब दोनों लंबा बना कम हो जाता है अब पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन पैर के अंगूठे को नाक से स्पर्श कराने का प्रयास अब सेतु बंधे आसन अब सर्वांग आसन पूरे शरीर को ऊपर उठाइए अब पूर्ण हलासन पैर के अंगूठे को सिर के पीछे स्पर्श कराने का प्रयास जाने वाला है आसन सौ आसन
पूरा शरीर से बाहर निकल गई है और पैर के अंगूठे से लेकर के धीरे धीरे पूरे शरीर का निरीक्षण कर रही है। अब बाएं करवट होके बैठ। सूर्य भगवान साक्षात देवता है, हर जगह एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। एक तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। एक दो चार पांच छ सात आठ नौ दस। ओम आदित्याय नमः। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। ओम हिरणगर्भाय नमः। ओम हिरणगर्भाय नमः। एक तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। ओम मरिचये नमः। ओम मरिचये नमः। बैठ जाइए। सिंह की गर्जना की है। को सहला लीजिए। अब खूब ठठा के हंसना है तीन बार। अब शांति पाठ। ओम देव शांति। ओम देव शांति। अंतरिक्ष शांति। अंतरिक्ष शांति। पृथ्वी शांति। पृथ्वी शांति। रापह शांति। रापह शांति। रोषधयः शांति। रोषधयः शांति। वनस्पतयः शांति। वनस्पतयः शांति। विश्वे देवा शांति। विश्वे देवा शांति। ब्रह्म शांति। ब्रह्म शांति। सर्वग्वां शांति। सर्वग्वां शांति। शांतिरेव शांति। शांतिरेव शांति। सामा शांतिरेधि। सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हथेली को रगड़ के गर्म कीजिए, आँख को सहलाते हुए
खोलिए और खूब तेज जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Thank you.